हेलो वीवर्स, आज हम अंकों का जोड़ निकालना सीखेंगे। जैसे ये हमारी एक से लेकर 100 तक की संख्या दी हुई है और हमें इनका योग या जोड़ करना है। तो यहाँ अगर हम बारी बारी संख्याओं को ऊपर लिखते हुए और इनका हम जोड़ करें तो यह जोड़ काफी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र की सहायता लेते हैं। और इस तरह का जो अंक दिया हो एक से लेकर 100 तक या किसी भी नंबर तक, जैसे 80 तक या 60 तक या 45 तक, तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए जो सूत्र लगाते हैं वह है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा 2। इस सूत्र की सहायता से हम इस जोड़ को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ जो n दिया हुआ है, हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये n क्या है। यहाँ जो n दिया हुआ है वह संख्या का जो हमारा अंतिम मान है। जैसे इस प्रश्न में हमारा 100 है, तो यहाँ हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ इस समीकरण में हम या इस सूत्र में हम जो है n का मान 100 रखते हुए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस n को मान रखते हैं 100, तो हमने यहाँ 100 लिख दिया। इसके बाद ये हमारा ब्रैकेट है, तो हम यहाँ भी एक ब्रैकेट खींच लेते हैं। इसके बाद दोबारा हमारा यहाँ n आ गया, तो इसका भी मान हम क्या लिखेंगे, 100। तो हमने यहाँ 100 लिख दिया। इसके बाद ये हमारा जोड़ का चिन्ह है, तो हमने जोड़ का चिन्ह दिया। फिर हमारा यहाँ एक है, तो हमने यहाँ एक लिखकर, और ये जो हमारा क्लोज का ब्रैकेट था हमने यहाँ क्लोज का ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद हमारा बटा का चिन्ह है, तो हम यहाँ बटे का चिन्ह देंगे और नीचे हम 2 लिख लेते हैं। अब हम इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है उसको हल करेंगे। तो यहाँ हम उससे पहले क्या करेंगे कि जो पहले की संख्या है यानी कि 100, इसको हम लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट देंगे, तो ब्रैकेट दे देते हैं, और ब्रैकेट के हमारा अंदर क्या है, 100 धन 1। तो जब हम 100 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 101। और इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और फिर वैसे ही बटे को हम नीचे यहाँ उतार देते हैं, और नीचे जो हमारा 2 है उसको लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो संख्याएं कट सकती हैं उनको हम काट देते हैं। जैसे ये 2 हमारा ऊपर वाले 100 को काट देगा, जब काटेगा तो कितना आएगा, 50। तो हम क्या करते हैं, काट करके ऊपर हम 50 लिख देते हैं। तो अब जो हमें संख्या मिली वह क्या हो गई, 50। तो यहाँ हम लिख देंगे 50। और चूंकि इन संख्या और इन संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, या कहें कि यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ हम गुणा का चिन्ह दे देते हैं। और यहाँ हमारा 101 है, तो ये 101 यहाँ उतर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 50 में 101 का या 101 में 50 का गुणा करेंगे। तो पहले हम 101 को ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, और 50 से गुणा करना है तो 50 को हम नीचे लिख करके गुणा को करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो तीनों सही संख्याओं में गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि 0 से जब हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा 0 ही आता है। इसके बाद हम 5 से 1 में गुणा करेंगे, तो 5 एकम होता है 5, और चूंकि 5 हमारा दहाई का अंक है इसलिए यहाँ हम दहाई के अंक के नीचे लिखते हैं। इसके बाद हम 5 से 0 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0, और 5 से पुनः हम इस 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 5। अब हम इनको जोड़ देते हैं,
तो यहां हमारा हो जाएगा 0 0 और 5 हमारा हो जाएगा 5, 0 और 0 हमारा हो जाएगा 0 और ये 5 हमारा यहां वैसे का वैसे अब उतर जाएगा। तो हमारा गुणनफल कितना आया 5050। तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे, यानी कि ये जो हमारी श्रृंखला दी हुई है इसका जोड़ कितना आएगा 5050। तो ऐसे ही हम एक से लेकर जितनी भी संख्याएं दी हो, जहां तक की संख्या दी हो, तो उसका जोड़ हम ऐसे ही सूत्र से निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और इस सूत्र को आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिसमें आपको एक से लेकर के और 10 तक की संख्याओं का योग का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।